अजानुलंबित भुजो कनकाबदातो संकीर्तनय कवितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रिय करो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजविश्वनाथं बागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संविहित त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आश्चर्यमेतत् हि मनुष्यलोकेषु धाम परित्यज्य विषम पिबन्ति नामानि नारायणो गोचराणि त्यक्तान्वाचः कुहकाः पठन्ति आश्चर्यमेतादिहि मनुष्यलोके सुधां परित्यज्य विषं पिबन्ति नामानि नारायणो गोचराणि त्यक्तान्वाचः कुहकाः पठन्ति गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपा परमहंस जगत गुरु जी ने बताए कृष्णे तरो विषय संग्रह करना बद्ध जीवों का एक मूल व्याधि क्रॉनिक डिजीज। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपा परमहंस जगत गुरु जी ने बताए किसने तरो विषय संग्रह करना बद्ध जीवों का एक मूल व्याधि क्रॉनिक डिजीज है। किसने तरो विषय मतलब कृष्ण भगवान किसने तरो विषय का मतलब है कृष्ण भजन के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है जिसका जिस विषय पर मेरा एंजॉयिंग मूड है जिस विषय के साथ मैं कृष्ण सेवा को कोई संबंध जोड़ नहीं सका इस विषय को कृष्णेतरो कृष्ण इतरो विषय बोला जाता है। शास्त्र में एक बात है भागवत जी महापुराण में लब्धार्पणम जो चीज भी हमारा सामने आए जो आने वाला है जो आया था पहले आज आ रहा है तमाम चीज़ों को भगवान के चरण में समर्पण करना तमाम चीज़ों को भगवान का सेवा का साथ संबंध जोड़ना। लेकिन बद्ध जीव डायरेक्टली भगवान का साथ संबंध नाता नहीं जोड़ सकता। कई बार ये सब चर्चा हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भागवत जी महापुराण में उद्धव जी महाराज को उपदेश दिया आचार्य माम बियानियत मतलब गुरु चरण में सब कुछ देना है अर्थात गुरु सेवा में
गुरु सेवा में सब कुछ अर्पण करना है। तन मन जीवन गुरु पदे अर्पण, सदा हरि नाम रटन, सब कुछ गुरु सेवा में समर्पण करना और स्वयं समर्पित हो जाना गुरु चरण में, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिस विषय को छोड़कर भजन सपने में भी, सपने में भी कोई सोच नहीं सकता, भजन संभव नहीं है। गुरु चरण में सब कुछ अर्पण करो। जगत में दो किस्म का सेवा विराजमान है, एक है गुरु सेवा, दूसरा है माया का सेवा। तमाम सेवा को, सेवा शब्दों प्रभुपाद जी ने कई बार कहा, सेवा दिस वर्ड, सेवा दिस वर्ड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गुरु विष्णु भगवान धाम नाम बस। फिर भी आपको समझाने के लिए तो जरूरी है माया का सेवा। सेवा शब्द एकमात्र भगवान के लिए यूजफुल है, फिर भी क्या शब्द दूसरा शब्द हो तो यूज करना संभव नहीं है, इसलिए करना पड़ा। जगत में दो सेवा है, एक है गुरु सेवा, एक है लघु सेवा। एक है गुरु सेवा, दूसरा है लघु सेवा। लघु मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं है, नेगेटिव सेवा। और गुरु सेवा मतलब जिसका गुरुत्व है, ग्रेविटी है, जिसका पॉजिटिव वैल्यू है, जो सेवा को भगवान गुरु वैष्णव स्वीकार करते हैं, इसका नाम है पॉजिटिव सेवा। तो जगत में दो किस्म का सेवा है, एक है गुरु सेवा और है लघु सेवा। अगर कोई कहे तो महाराज मैं गुरु सेवा भी करना चाहता हूँ और थोड़ा बहुत लघु सेवा भी करना चाहता हूँ, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं, ये मिक्सिंग हो जाता है, ये मिक्सिंग हो जाता है, ऐसा सेवा संभव नहीं है। और अगर कोई कहे तो दोनों एक साथ मैं करना चाहता हूं, इसका उत्तर ये है, माया का साथ मिलावट करके जो सेवा करने का प्रयास प्रचेष्टा, इसका नाम है कपट सेवा, कपट भाव। सेवा भाव है ही नहीं, सेवा भाव है ही नहीं। जहां सेवा भाव का अभाव है, जहां सेवा भाव का अभाव है वहां सेवा ये शब्द चल नहीं सकता, संभव नहीं है। गुरुपाद पद्म में श्रद्धा भक्ति, ये भक्ति का मूल है निश्चित रूप में। गुरु की पाही केवलम, गुरुपाद पद्म में जो श्रद्धा है, भक्ति है, यही भक्ति का मूल है निश्चित रूप में। और माया का हाथ से छुटकारा पाने के लिए, माया देवी का हाथ से छुटकारा पाने के लिए ध्यान देना चाहिए। माया मतलब सतो रजो तमो गुण का जो प्रभाव चल रहा है, लहर चल रहा है, इसका बाहर जाना, ये तभी संभव हो सकता जब गुरुदेव गुरुपाद पद्म मेरा ऊपर संतुष्ट हो जाए, इसका पहले संभव नहीं। जितना भी चीखो चिल्लो, जितना भी आंदोलन कर लो, रास्ता एक ही है, रास्ता दो नहीं है। रजस तमश्च सत्येन सत्यंच उपशमेन च एतत् सर्वं गुरु भक्त्या पुरुषो हि अंजसा जयेत। रजस तमश्च सत्येन, रजतमो को सत्व गुण के द्वारा पराजित करो। रजस तमश्च सत्येन और सत्व सत्वश्च उपशमेन च,
ये जगत का जो सतगुण है ये भी बंधन का कारण है। सुखे बंधा ये सुख के द्वारा बंधन करने वाले हैं, इसलिए सतगुण जगत का ये भी हमको दरकार नहीं। बस इतना ही काफी है समझना, क्यों रजतमो को सतगुण के द्वारा पराजित करो और सतगुण को उपशमेन च, उपशम माने रेमेडी, सल्यूशन। सल्यूशन एक है गुरु सेवा, उपशम एकादशी आदि व्रतों पालन करो, जितना आचार निष्ठा को अपनाओ जिंदगी में, सारे नियम निष्ठा का साथ सारे व्रतों का पालन करो, नाम करो, वैष्णव अपराध नहीं करो, ये सब अगर पालन करते हैं उपशमन, उपशम का मतलब सल्यूशन रेमेडी, लेकिन इधर उपशम का मतलब है आपको इंद्रियोग्राम को वशीभूत करके भगवत भजन गुरु वैष्णव का अनुगतम, अनुगतम में जो मेडिसिन है द डिवाइन पनासिया, हरि नाम हरि कीर्तन गुरु वैष्णव का आनंद में सेवा का साथ करते चलो। तो रजस्तमश्च सत्येन सत्यंच उपशमेन, सत्यंच उपशमेन च एतत् सर्वं गुरु भक्ता, ये तमाम चीजें समस्याएं गुरु सेवा का द्वारा अनायास, गुरु सेवा के द्वारा अनायास समाधान हो सकता है। इसलिए कोई बड़ा बात नहीं है। आदमी सोचता है कि माया जय करना महाराज कितना कठिन है, लेकिन माया जय करना कोई कठिन काम नहीं है। कठिन इसलिए है कि मैं कपट हूं, कठिन इस बात का है कि मैं कपट हूं, क्योंकि शास्त्र में बोला हुआ है वेरी इजीली, मजा मजा में, मजे मजे में आप काट सकता, लेकिन गुरु सेवा के द्वारा, वास्तव गुरु सेवा के द्वारा रजस्तमश्च सत्येन सत्यंच उपशमेन च एतत् सर्वं गुरु भक्ता पुरुषो ही अंजसा जहेत। पुरुष मतलब शरीरधारी जीव, पूरे पूरे शरीरे मतलब पूरे देहे बसती इति पुरुषः, इसमें कोई पुरुष स्त्री का कंसेप्शन नहीं है, नहीं चलेगी। पुरुष और स्त्री का कंसेप्शन यहाँ लागू नहीं है। यहाँ पुरुष मतलब शरीरधारी जीव। रजस्तमश्च सत्येन सत्यंच उपशमेन च एतत् सर्वं गुरु भक्ता, गुरु भक्ति के द्वारा पुरुषो माने देहधारी जीव, पुरुष ही अंजसा जो है, अंजसा मतलब वेरी इजीली माया का बाहर जा सकता है। रजस्तम शतो ये गुण का जो प्रभाव है, ये प्रभाव का बाहर जा सकता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं। अंजसा क्योंकि जब सब, क्योंकि जब तक माया का जय नहीं हो पाएगा तब तक हमारा भजन का शुरुआत नहीं हो सकता। बड़ा विशेष बात है ये, भक्ति का शुरुआत में संबंध ज्ञान एकांत प्रयोजन है, अर्थात गुरुचरण आश्रय करना जरूरी है, क्योंकि संबंध ज्ञान को जोड़ने वाले मेरा साथ भगवान का नाम का धाम का, ये जो सारे संबंध है ये जोड़ने वाले गुरुदेव है, गुरुदेव ये संबंध ज्ञान प्रदान करने वाला है। अप्राकृत गुरुजी में, अप्राकृत गुरुचरण में सुदृढ़ ऐकांतिक श्रद्धा भक्ति का मूल है। इसलिए श्री रसामृत सिंधु में भी श्री रूप गोस्वामी पाद लिख दिया, अदौ श्रद्धा ततो साधु संघो, ये जो लिख दिया आदौ श्रद्धा, श्रद्धा बेसिक श्रद्धा जो है आदौ श्रद्धा। आदमी जब तक, ये प्रभुपाद का कहना है, अपनी
आदमी जब तक तर्क पंथा को अवलंबन करते हैं, आदमी जब तक तर्क पंथा को अवलंबन करते हुए आगे बढ़ने का कोशिश करता है, तब तक इसका साथ गुरु तत्वों का, गुरु चरण का दर्शन होना संभव नहीं है। कंप्लीट सरेंडर गुरु चरण में, ये कोई मामूली बात नहीं है। पहले भी कई बार मैं चर्चा की, भागवत जी महापुराण में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी महाराज को कहे, शरणागति कैसा है ना, विकृतो पशुर यथा, एक पशु को पेट मार्केट से, पशु का बाजार से खरीद के ले आए तो ये पशु का अपना कुछ स्वतंत्र भाव रहना संभव नहीं है। मालिक जो उसको खरीद के लाए हैं, मालिक का इच्छा का मुताबिक उसको चलना पड़ेगा ही पड़ेगा, और दूसरा कोई चारा है नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी महाराज को उपदेश दी, उद्धव शरणागति कैसा है जानते हो, विकृतो पशुर यथा, एक खरीदा गया पशु अपना कुछ स्वतंत्र भाव को रख नहीं सकते, ऐसा ही है। लेकिन अगर उल्टा विचार आए, लेकिन अगर उल्टा विचार आए अर्थात गुरु जी को कंट्रोल करने का, ये विचार है, गुरु जी को कंट्रोल करने का विचार, ये नास्तिक विचार है। गुरु जी को कंट्रोल करने का ये जो विचार है, ये हर हालत में नास्तिक विचार है, ये उचित नहीं है, ये संभव नहीं है। ये हर हालत में इसको परित्याग करना जरूरी है, ये भाव। प्रभुपाद कह रहे हैं, मैं जगत का किसी का बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हूं, हमको उद्धार करने के लिए वैकुंठ जगत से जो अवतरण किए हैं इस जगत में, भगवान का डिप्यूटेड मैसेंजर, भगवान के द्वारा प्रेरित, मेरा मंगल विधान के लिए भगवान के द्वारा प्रेरित एक वैकुंठ वार्षद जो है, ये गुरु जी का बातें हम सुनेंगे, और किसी का बातें सुनने के लिए मेरा कोई रुचि है नहीं। बद्ध जीव अनुचैतन्य है, गुरुपाद पद्म अनुचैतन्य नहीं है। गुरुपाद पद्म को अगर अनुचैतन्य समझो, एक जीवात्मा है, तो अपराध हो जाएगा। हम लोग अनुचैतन्य हैं, गुरुदेव का कृपा के द्वारा विभु चैतन्य के साथ संबंध जोड़ने का एक व्यवस्था हो सकता है, भगवान का पास पहुंचने का व्यवस्था हो सकता है। हर हालत में अनित्य जगत का संबंध छोड़ के, अनित्य जगत का संबंध छोड़कर हमारा नित्य प्रभु गुरुपाद पद्मों का संबंध करना जरूरी है। यद्यपि गुरुपाद पद्मों को हमने बोलते सुना है, कि बेटा मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं भगवान का सेवक का सेवक का सेवक का सेवक का सेवक का कुछ सेवा करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं,
गुरुपाद पद को बोलते सुना है, बाबा बेटा मैं गुरु नहीं हूं, प्रभुपाद है गुरु, जगत गुरु प्रभुपाद, वही प्रभुपाद आपका गुरु है, हम गुरु नहीं है, हम आपका गुरु नहीं। ऐसा स्वाभाविक है कि ये दैन्य का प्रतीक है, गुरुपाद पद्म दैन्य का प्रतीक है, गुरुपाद पद्म दैन्य का प्रतीक है, इसलिए ऐसे कह देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी सोचना शुरू कर दूं गुरुदेव बेकार है, फालतू है, निकम्मा है, बैठे रहते कुछ भी नहीं करता है। अगर ऐसा सोचे तो मैं मायावादी बन गया। हम लोग का जितना ताकत है, जितना पैसा का बल है, लुग बल है, एजुकेशनल पावर है, सब कुछ निस्वार्थ रूप में, सब कुछ निस्वार्थ रूप में गुरुदेव का सेवा में, गुरु सेवा में समर्पण करना जरूरी है। प्रभुपाद ने वादा किया, ऐसा अगर करने में समर्थ हो, ऐसा अगर करने में समर्थ हो तो ये समझ लेना इसी जन्म में आपका सिद्धि, भजन सिद्धि होना ही है, इसी जन्म में। दूसरा जन्म के लिए कोई अपेक्षा करना जरूरी नहीं है। पिछले सप्ताह ये सिलो रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित एक उपदेशामृतों का चर्चा करते हुए हमने ये शुरुआत किया गुरुदेव का लक्षण। हमने ये शुरुआत किया गुरुदेव का लक्षण क्या है। गुरुदेव का लक्षण चर्चा करते हुए गुरुदेव का जो लक्षण है, गुरुदेव का लक्षण चर्चा करते हुए बहुत सारे चीजें हमने बताया था। भक्ति विनोद ठाकुर जी का श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी का अनुगत्व में है, भक्ति अनुकूल क्या क्या है ये चर्चा बहुत दिन पहले हो गया। उत्साहात निश्चात दज्ञात तत्त्वत कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृते है षड़भीड़ भक्ति ही प्रसिद्धति। ये जो तत्त्वत कर्म प्रवर्तन, तत्त्वत कर्म प्रवर्तनात्, ये जो तत्त्वत कर्म प्रवर्तन का विषय है, ये तत्त्वत कर्म प्रवर्तन का ये चर्चा करते हुए 64 भक्ति अंगों ये सब चर्चा की। इसके बाद श्री गुरु पादाश्रय करना जरूरी है, ये भी तत्त्वत कर्म प्रवर्तनात् का अंदर ही आता है, क्योंकि गुरुचरण आश्रय नहीं करने से भक्ति का शुरुआत ही नहीं होता है। गुरुदेव का लक्षण, गुरु कौन होता है, इसका उत्तर देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया कि वा विप्रो कि वा नैशी शूद्र कहने नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। ध्यान दे इस बात पर, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने ये बात को ऐलान कर दी कि वा विप्रो कि वा नैशी शूद्र कहने नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। अब यहां बहुत सारे क्वेश्चन आता है, ये गुरु जो श्रीमान महाप्रभु जी ने बताया है, ये कौन सी गुरु, बत्म प्रदर्शक गुरु है या तो शिक्षा गुरु या कि दीक्षा गुरु, क्या है क्या है, ये समझना जरूरी है। महाप्रभु जी ने इस बात को खुलासा करते हुए बताया, जो कृष्ण तत्व वेत्ता है, जो कृष्ण तत्व को, कृष्ण श्री कृष्ण तत्व का बारे में जिसका जानकारी है, यही गुरु है।
ये शिक्षा गुरु भी हो सकता है, दीक्षा गुरु भी हो सकता है, या तो आत्म प्रदर्शक गुरु भी हो सकता है। यहाँ तक कि इतना ही नहीं, जिन माताजियों को बारे में शास्त्र में लिखा हुआ है भागवत जी महापुराण में, काल इस विषय में चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि इस विषय का ऊपर बहुत सारे हंगामा चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, स्त्री शूद्र इन सभी का बारे में चैतन्य भागवत जी महापुराण में लिखा हुआ है, यही श्रीमद् भागवत जी महापुराण में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत जी महापुराण में इस विषय में लिखा हुआ है, ये इन लोगों का दीक्षा देने का अधिकार नहीं है। स्त्री शूद्र ये लोगों का दीक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है। भागवत जी महापुराण में लिखा हुआ है, स्त्री शूद्रो द्विजो बंधूनां त्रयी न गोचरा, कर्मो श्रेयासी कर्मो श्रेयसी मूरानां श्रेयः एवं भवेद इह इति भरतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। क्या बताया? यह बताया स्त्री शूद्र द्विजो बंधूनां त्रयी न गोचरा, स्त्री शूद्र द्विजो बंधूनां त्रयी न श्रुति गोचरा, कर्म श्रेयसी मुरानम श्रेय एवं भवेद इह इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। स्त्री शूद्र और पतित ब्राह्मण पतित इन लोगों का भागवत जी महापुराण, ये लोगों का वेद त्रयी मतलब वेद वेदों में अधिकार नहीं है। स्त्री स्त्री शूद्रो द्विजो बंधूनां त्रयी न श्रुति गोचरः, स्त्री शूद्रो और द्विजो बंधु अर्थात पतित ब्राह्मण ये लोगों के लिए वेद सख्त माना है, वेदों में अधिकार नहीं है। वेद मतलब वेदांतो, वेद का साथ वेदांतो उपनिषद सारे वेदों का ही है, लेकिन ये लोगों का मंगल कैसे हो सकता है? इसी विचार के द्वारा प्रेरित होकर श्रील वैष्णदेव गोस्वामी जी ने महाभारत रचना की है। वेदों का जो कुछ भी सिग्निफिकेंस है, वेदों का जो मतलब है अल्टीमेट मतलब, वेदों का जो अल्टीमेट मतलब है सारे इन अप्लाइड फॉर्म महाभारत में दिखाया गया। और अगर कोई प्रश्न करे किनके पास मैं हरिनाम दीक्षा ले सकता हूं, गुरु तो है ही है, जो उपदेष्टा है तो गुरु है, महापुरुष जी ने बताया, जो उपदेष्टा है वो तो गुरु है ही है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं, जो उपदेष्टा है वो तो गुरु है ही है, इसका बारे में तो कोई संदेह है नहीं। लेकिन ये उपदेश जो है, ये उपदेश मंत्रोपदेश का अंदर आता कि नहीं, ये क्वेश्चन
बराबर पूछना चाहिए। ये महाप्रभु जी ने बताया कि वा शूद्रो कि वा विप्रो कि वा विप्रो कि वा शूद्रो नैसिक है, ये जो है कि वा विप्रो कि वा नैसिक शूद्र कहने न है, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। तो कृष्ण तत्ववेत्ता जो है गुरु है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जे गुरु का काम मंत्र देने का काम मंत्रोपदेश ये माताजी और द्विजो बंधु शूद्रो ये भी कर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। भरद्वाज संहिता में मैं कल इस विषय पर चर्चा करना उचित समझता हूँ, इस विषय पर चर्चा करना उचित समझता हूँ। भरद्वाज संहिता आदि शास्त्र में मंत्रोपदेष्टा गुरु का आसन में माताजी बैठ नहीं सकता, संभव नहीं। शूद्रो शूद्र अगर शूद्र अवस्था में रहे इसका तो किसी चीज में अधिकार है ही नहीं, और द्विजो बंधु मतलब पथित ब्राह्मण ये लोगों का भी कोई अधिकार नहीं है। सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर का अनुगत्य में हम लोग चर्चा करते हुए यहां तक देखा जिसका जिंदगी में इंद्रिय दमन बोल के कुछ है ही नहीं वो गुरु का काम कैसे कर सकता है। चाहे बाहरी विचार में ब्राह्मण है, चाहे बाहरी विचार में आचार्यों का काम कर रहा है, लेकिन आचार्यों का काम करने का इसका कोई अधिकार है नहीं। इसीलिए गुरु का आचार्यों का अगर लक्षण पूछा जाए तो उपदेशामृतम में श्री रूप गोस्वामी पाद पहले से लिख दिया है, वाचो बेगम मनसः क्रोध बेगम जीवभा बेगम उदरोपस्थ बेगम एतानो बेगानो जो विष हेतु धीरः सर्वाम अपीमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। जिसका जिंदगी में वाचो वेग मन का वेग क्रोध वेग जिह्वा वेग उदर उपस्थ का वेग पूरा कंट्रोलिंग में है, जिसका जिंदगी में एतानो वेगानो जो विष है तो धीरः सर्वाम अपीमाम पृथ्वीम सशिष्यात्, इसको ही गुरु का काम करने का अधिकार है और किसी का नहीं है। इसी का ही अधिकार है गुरु का काम करने का, बाकी किसी का अधिकार है नहीं। इसलिए श्रील सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है किस प्रकार का गुरु जी आश्रय करना उचित है। शास्त्रों का अनुसार जो जितना सारे लक्षण लक्षण है शास्त्रों में, वो जिसका जिंदगी में दिखाई पड़ता है, पहले भी बहुत बार गुरु तत्व के माने में चर्चा किया है, जो कामादि शरो रिपु को जय किया है, जो निर्मल अंग है जिसका अंदर में कुछ भयंकर व्याधि आदि अंग का विकलांग कुछ नहीं है, निर्मल अंगो विशेष करके जो राग मार्गे मतलब प्रेम की द्वारा कृष्ण का भजन करता है, जो विप्र वर्णों जो वेद शास्त्रों में जो वेद शास्त्रागम का विमल पथ जिस
जिसको पता है साधुगण उसको ही साधुगण जिसको गुरु बोल के श्रद्धा करता है, साधुगण वास्तव साधुगण जिसको गुरु बोल के श्रद्धा करने में समर्थ है, इंद्रियो दमन में जो कामयाबी जिसको मिली है, जो इंद्रियो दमन करके बैठा है, जो सर्वभूत में दयावान है, जो अनुद्धतमति उद्धत हो जिसका अंदर में अहंकार बिल्कुल नहीं है, यो निष्कपट है, सत्यवादी है, झूठा नहीं बोलना चाहता है, यही गुरु होने का यज्ञ है, यही गुरु होने का यज्ञ है, बाकी कोई गुरु का काम नहीं कर सकता है। बाकी कोई गुरु का काम नहीं कर सकता है। इतर राग तिरस्कारकारी, इतर राग मतलब भगवान श्री कृष्ण का प्रति जो अनुराग है इसका विपरीत है इतर राग, अर्थात कृष्ण तर विषय में कोई लड़की में कोई लड़का में कुछ जमीन जायदाद में रुपया पैसा में किसी में भी कुछ व्यासन में अगर मन लग जाता है तो ये किसी भी हालत से भजन नहीं कर सकता। गुरु का काम करना तो दूर की बात है। इतर राग तिरस्कारकारी एवं एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के चरण में आस्था रखने वाले, प्रेम प्रीति रखने वाले, यही है गुरु का स्वरूप लक्षण। जो इतर वस्तु में जिसका कोई अनुराग नहीं है, बिल्कुल एट्रैक्शन नहीं है, याद है गुरु तत्व का चर्चा करते हुए बहुत बार ये श्लोक को भक्ति रसामृत सिंधु से हरिभक्ति विलास में, हरिभक्ति विलास से उठाकर चर्चा किए हैं। कृपा सिंधु सुसंपूर्णो सर्वसत्वोपकार कहा निष्प्रियो सर्वतः सिद्धो सर्वविद्या विशारद सर्व संशयो संश्चित्ता अनलस गुरु राहित, याद है ये श्लोक के द्वारा गुरु का लक्षण क्या है परिपूर्ण रूप में। दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन, दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ गुरु तत्व। गुरु तत्व का कंप्लीट डेफिनेशन है ये, कंप्लीट डेफिनेशन गुरु तत्व का। कृपा सिंधु जो कृपा का सागर है, सुसंपूर्णो जिसका अंदर में कोई अभाव नहीं है, सुसंपूर्णो जो आत्मविद जो तत्वविद है, जो भक्तिमान है, भगवान का चरण में भक्ति करने वाले, यही हो सकता सुसंपूर्ण हो। बाकी आदमी कभी सुसंपूर्ण शब्दों के द्वारा भूषित नहीं किया जा सकता बाकी कोई आदमी को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भागवत जी महापुराण में दशम स्कंद में बताया, मई भक्ति ही भूतानाम अमृतताय कल्पते। सुसंपूर्ण वही हो सकता है जिसका जिंदगी में अप्राकृत अमृत मिला है, मतलब भक्ति मिला है। सुसंपूर्ण ये शब्द जहां तहां यूज करना उचित नहीं है, जहां तहां लागू नहीं हो सकता। एकांत रूप में
कृपा सिंधु सुषम पूर्ण शब्द है एकमात्र जिसका जिंदगी अमृत मिला है, अप्राकृत अमृत। मई भक्ति ही भूतानाम अमृतोताय कल्पते, यही सुषम पूर्ण शब्दों के द्वारा भूषित किया जाने का लायक है यही व्यक्ति। तो कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्व सत्व पुकार कहा, मतलब हर जीवों का लिए, हर जीवों का लिए जिसका दिल में, जिसका हृदय में दर्द पैदा होता है, जो हर जीवों का लिए कृपावान है, दयालु है, कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्व सत्व पुकार, सर्वसत्व मतलब सर्वसत्व हर जीवों का लिए जो उपकार करना चाहता है, वो भी मामूली उपकार नहीं है, जीव हिंसा नहीं है, वो भी मामूली उपकार नहीं है, जीव हिंसा नहीं है। जो जीवों का जो इच्छा है उसको पूर्ति कर दो, चाहे हो वास्तव या तो अवास्तव है, ये इसका नाम है जीव हिंसा। सर्वसत्व पुकार कहा मतलब सर्वसत्व पुकार कहा, इसका मतलब है एब्सोल्यूट मंगल को, एब्सोल्यूट मंगल को ढूंढने वाले, तमाम जीवों के लिए एब्सोल्यूट मंगल को ढूंढने वाले, यही है कि पास सुसंग पूर्ण सर्वसत्व पुकार, सब कोई का वास्तविक उपकार, किसी को कुछ पैसा देना, किसी को नौकरी चाकरी देना, कुछ जड़ जगत का कोई फैसिलिटी देना, ये उपकार तो है ही है, लेकिन ये एब्सोल्यूट उपकार नहीं है। सर्व सर्वसत्व पुकार कहा, सर्वसत्व को उपकारक मतलब भक्ति देना, भगवान के चरण में उसको, भगवत चरण में उसको सेवा में लगाना, ये है सर्वसत्व पुकार कहा। एकमात्र विशुद्ध गुरु वैष्णव छोड़कर किसी का लिए ऐसा गुणावली संभव नहीं है। कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्वसत्व पुकार कहा, निष्प्रिय हो सर्वतो हो सिद्ध हो, निष्प्रिय हो जिसका अंदर में कोई अभिलाषा नहीं है, निष्प्रिय हो स्प्रिहा कुछ प्राप्ति करने का इच्छा नहीं है, निष्प्रिय हो सर्वतो हो सिद्ध मतलब हर विषय में, सर्वतः सिद्धो जिसका जिंदगी में भक्ति सिद्धि हो गया उसको सर्वतः सिद्धो बोला जाता है, सर्वतः सिद्धो उसी को बोला जाता है जिसका जिंदगी में, जिसका जिंदगी में भगवान का सेवा छोड़कर कोई दूसरा कुछ काम नहीं है, ये भक्ति सिद्धि है, सर्वतः सिद्ध। कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्वसत्व पुकार का निष्प्रिय सर्वतः सिद्ध और सर्वविद्या विशारदा, सर्वविद्या विशारदा मतलब कृष्ण तत्व को जानने वाले, कृष्ण चरण में जिसका भक्ति है ये सब कुछ जान लिया, निष्प्रिय हो सर्वतः सिद्ध हो और सर्वविद्या विशारद, सर्वविद्या विशारद मतलब भक्ति विद्या, जिसका बारे में उपनिषद में भी बताया गया, जिसका बारे में बताया गया जस्मिन ज्ञात्वे सर्वमिदं विज्ञातुं भवति, जस्मिन प्राप्ते सर्वमिदं प्राप्तुं भवति, जिसको प्राप्त करने का बाद कुछ चीज प्राप्ति करने का कोई इच्छा शेष नहीं रह जाता, जस्मिन प्राप्ते सर्वमिदं प्राप्तुं भवति,
जिसको भगवान जिस चीज को प्राप्त करने का बाद और कुछ चीज प्राप्ति करने का कोई इच्छा ही नहीं शेष रह जाता। जस्मिन प्राप्त सर्वमिदम प्राप्तुम भवती, और जिसको जानने से जस्मिन ज्ञाते सर्वमिदम विज्ञातुम भवती, जिसको जानने से तमाम चीजों को जान सकता है, संभव है। जिसको जानने से सब जानना खत्म है, इसका नाम है भक्ति, कृष्णो को जानना। किसी ने मजाक उड़ाते हुए श्रील प्रभुपाद जी को अपमान करने के लिए पूछा, आपका गुरुजी कहाँ रहता है, आपका गुरुजी अब परिचय क्या है। मैंने ये व्यक्ति कहना चाहता है, आपका गुरुजी अनपढ़ है, आपका गुरुजी का कोई मंदिर नहीं है, आपका गुरुजी का कोई संस्था नहीं है, और कहना ही क्या है, फॉरेन ट्रिप भी नहीं है। आजकल फॉरेन ट्रिप नहीं है तो उसके गुरु का कोई दाम ही नहीं है, ये सब तो है नहीं। मजाक उड़ाते हुए इस बात को कहना चाहा। प्रभुपाद जी ने बताया, देखिए बाहरी विचार में ये परमांश गुरु पाद पद्मो जगत गुरु है, बाहरी विचार में लगता है कि अनपढ़ है। यद्यपि बाहरी विचार में लगता है कि अनपढ़ है, फिर भी जगत का कोई भी समस्या है, किसी भी समस्या जितना भी कठिन क्यों ना हो, सारे समस्या का अभ्रांत फ्लॉलेस सॉल्यूशन ही कैन ड्रॉ। बाहरी विचार में वो लिखा पड़ा नहीं है, लेकिन दुनिया का कोई भी समस्या का ये अभ्रांत मीमांसक है मेरा गुरुपाद पद्म। गुरुपाद पद्म का नित्य आवासस्थान नित्य बसती, कहां रहते हैं आपका गुरुजी, ये मजाक उड़ाते हुए प्रश्न किया। गोपा जी ने बताएं, इनके तो नित्य स्थान है राधा रानी का चरण राधा कुंड, लेकिन वर्तमान ये बाह्य लीला कर रहे हैं नवद्वीप का कुलिया नामक स्थान में विराजमान है वर्तमान। सो गौर किशोर बाबा जी महाराज अनपढ़ है, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अनपढ़ है, ये बात सरासर गलत है। जिन्होंने भगवान को जान लिया, जिन्होंने भगवान को जान लिया, जिसका नित्य बसती है श्रीमती राधा रानी का चरण कमल, ये कभी अनपढ़ नहीं हो सकता, ये कभी हो नहीं सकता। बाहरी विचार में बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए गुरु का स्वरूप लक्षण का बारे में बताया है। गुरु जी का स्वरूप लक्षण क्या है, स्वरूप लक्षण है ये बिल्कुल प्रेम प्रीति का द्वारा भगवान का सेवा में लगे हुए हैं, अर्थात इतर राग तिरस्कार करी, इतर रागों को थुक्कार देने वाले, इतर इतर मतलब कृष्णेतर, इतर मतलब कृष्णेतर विषय को धिक्कार देने, थुक्कार देने वाले, और श्री कृष्ण भगवान के चरण में अनुराग जो है, यही गुरु जी का स्वरूप लक्षण है। ध्यान दे इस बात पर, ये गुरु जी का स्वरूप लक्षण है। अगर ये स्वरूप लक्षण
किसी का अंदर में दिखाई पड़ा, ये महाप्रभु का विचार के अनुसार कि वह विप्रो कि वह न श्री शूद्र कहने नय जय कृष्ण तत्ववित्ता सही गुरु है। निष्प्रिय सर्वतो सिद्धो सर्वविद्या विशारद, सर्वविद्या विशारद है गौर किशोर बाबा जी महाराज, क्योंकि कृष्ण को जान लिया। और एक बात है, सर्व संशय संक्षिप्त बद्ध जीव के अंदर में जितना सारे संशय संदेह है, बद्ध जीवों के अंदर में जितना सारे संशय संदेह है, ये तमाम संशय संदेहों को मिटाने वाले, तमाम संशय संदेहों को मिटाने वाले ये मेरा गुरुपाद पद्म है। सर्वो संशयो संक्षेत्ता, सर्वो संशयो छेत्ता नहीं, सर्वो संशयो छेत्ता ये नहीं, सर्व संशयो संक्षेत्ता मतलब सर्व संशय को हमारा अंदर में जितना सारे डाउट्स है, सस्पिशन है, जितना सारे संशय संदेह है, इसको जड़ से उखाड़ के फेंकने वाले, ये गुरु का लक्षण है। बहुत सारे ततश्च लक्षण हो सकता है, लेकिन स्वरूप स्वरूप लक्षण गुरु का बताया गया, स्वरूप लक्षण का बारे में बताया गया। कृष्णो इतर वस्तु में थुक्कार देने वाले, धिक्कार देने वाले, और भगवान श्री कृष्ण का चरण में सुदृढ़ अनुराग करने वाले, ये गुरु का सर्व लक्षण है, ये गुरु का सर्व लक्षण है। और दूसरा, सारे जितना सारे लक्षण है, सारे जितना सारे लक्षण है, सारे ततश्च लक्षण है, सारे ततश्च लक्षण है। सारे ततश्च लक्षण है, बाकी सारे। एक बात बड़ा गंभीर विचार है इस बात, जो अगर किसी का अंदर में स्वरूप लक्षण दिखा गया, देखा गया किसी का अंदर में, लेकिन ततस्थ लक्षणों में कुछ कुछ लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा, ततस्थ लक्षणों में कुछ कुछ लक्षण जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा, फिर भी चलेगा, क्योंकि वो सर्व लक्षण के द्वारा जितना थारे थोड़ा बहुत कमी बाहरी विचार में दिखाई पड़ रहा है, उसमें कुछ फड़क, कुछ में कुछ कुछ विशेष आता जाता नहीं। पद्म पुराण में लिखा गया, भागवत जी महापुराण में भी है लिखा हुआ है बहुत सारे चीज, महाभागवत श्रेष्ठो ब्राह्मणो वही गुरु ने नाम, जो महाभागवत है मतलब जो वैष्णव है, परम वैष्णव, महाभागवत तो श्रेष्ठ ब्राह्मण, आज जो महाभागवत है वो तो ब्राह्मण है ही है, वो तो ब्राह्मण है ही है, वो कहने का कोई मतलब ही नहीं। महाभागवत वैष्णव जो है श्रेष्ठो, ये तो ब्राह्मण है ही है, क्योंकि ब्राह्मण का गुणावली जो है इसका अंदर में तो वो सब है, ये सब भरपूर है। इसलिए सप्तम स्कंद में एक चर्चा आता है युधिष्ठिर महाराज नारद जी के साथ, विप्रात दिशर गुण जितात अरविंद नाव पदारविंद विमुखात सपचम वरिष्ठ, विप्रात दिशर गुण जितात अरविंद नाव पदारविंद विमुखात सपचम वरिष्ठ। एक ब्राह्मण बाहरी विचार के द्वारा, एक ब्राह्मण इसका अंदर में 12 गुण, 12 क्वालिटीज, समो दमो शौच सरलता अर्जव
बहुत सारे विप्राप्त सरगुण जुता अरविंद नाभ पदारविंद विमुखा सपजम वरिष्ठम, तमाम बारह गुण के द्वारा भूषित है, फिर भी अगर विष्णु चरण में कृष्ण चरण में कोई भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, तो ये शूद्र की बराबर। विप्राप्त सरगुण जुता अरविंद नाभ पदारविंद विमुखा सपचम वरिष्ठम, इससे तो अच्छा है सपच। सपच मतलब कुत्ता खाने वाले, कुत्ता पीठा, कुत्ता खाने वाले, कुत्ता का मांस, कुत्ता का मांस खाने वाले जो है ये श्रेष्ठ है, अगर इसका अंदर में भक्ति है तो। अगर इसका अंदर में भक्ति है तो ये श्रेष्ठ है। विप्रात दिशरगुण जुतत अरविंद नाभ पदारविंद विमुखा सपचम वरिष्ठम, सपच इससे बढ़कर। इसीलिए पद्म पुराण में है लिखा गया, महाभागवतो श्रेष्ठो ब्राह्मणो वै 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 मतलब निश्चितमेव, महाभागवतो श्रेष्ठो ब्राह्मणो वै गुरुर्निनाम, जो महाभागवत है वैष्णव है ये तो ब्राह्मण है, ब्राह्मणो वै गुरुर्निनाम, मनुष्य जाति का ये गुरु होने का लायक है। सर्वेषां एव लोकानां अशौ पूज्यो यथा हरि, ये लोग समाज में, सर्वेषां एव लोकानां अशौ पूज्यो यथा हरि, जैसे भगवान हरि, जैसे भगवान हरि पूज्य है, जैसे भगवान हरि पूज्य है, ऐसा ही इनके जो भक्त है ये पूज्य है। सर्वेषां एव लोकानां अशो पूज्यो यथा हरि, जैसे भगवान पूज्य है, जैसे भगवान पूज्य है, ऐसे ये भक्त भी पूज्य है। और नहीं तो महाकुल प्रसूत ओपी सर्वयोग्येषु दीक्षितः सहस्र शाखाधायी न च न गुरुहु साद अवैष्णव, ध्यान दे इस बात पर। महाकुल में जन्म लिए हैं, महाकुल प्रसूतोपी आज सर्वयोग्य में दीक्षित हुआ हो चुका है, सर्वयोग्येषु दीक्षितः, सब युग में, यज्ञों का मतलब यज्ञ ओपन टर्म है, ये सर्वयोग्येषु दीक्षितः हो सके, ये तमाम दान योग्य ध्यान योग्य सब कुछ में, नाम योग्य सब कुछ में, लेकिन भगवान का चरण में अगर भक्ति ने अवैष्णव है तो इसका कोई कीमत है। महाकुल प्रसूतोपि सर्वयोग्येषु दीक्षितः सहस्र शाखा थाई, वेदों का सहस्र हजारों शाखा को अध्ययन कर लिया है, लेकिन फिर भी ये गुरु नहीं है। च न गुरु हो साध अवैष्णव, अगर यदि अवैष्णव है तो ये हर हालत में पूज्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अवैष्णव है तो कोई काम का नहीं है। गुरु का बहुत सारे लक्षण है, काल हम दिखाएंगे भरद्वाज संगीता का, इधर उधर से सारे प्रमाण जिसका द्वारा आप समझ पाओगे। और कोई प्रश्न उठाएगा माताजी लोग का दिखा देने का अधिकार का विषय में, इस बारे में भी मैं काल चर्चा करने का इच्छा रखते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि ये तत्त कर्म प्रवर्तन में श्री गुरु पादाश्रय पहला कदम है, जरूरी है। और गुरु चरण में आश्रय लेने का पहले गुरु का लक्षण, गुरु कौन हो सकता है, ये सब जानकारी मिलना जरूरी है। और तत्त कबूर्तन का अंदर में श्री गुरु सेवा
और श्री गुरु सेवा और दीक्षा ग्रहण के बारे में अवश्य कर्तव्य बहुत सारी चीजें हैं। अगर लायक गुरु, वास्तविक गुरु मिल जाए, उपयुक्त गुरु प्राप्त होने से श्रद्धा का साथ शिष्य निष्कपट रूप से परम विश्वास का साथ गुरुचरण में आश्रय लेके सेवा शुरू करे, ये जरूरी है। और श्री गुरुचरण को प्रसन्न करने के लिए अपना जितना सारे प्रयास प्रचेष्टा है बाजी लगा दो, निष्कपट रूप से गुरुचरण को प्रसन्नता, गुरुचरण का प्रसन्नता विधान के लिए अपना प्रयास प्रचेष्टा का कोई कमी नहीं हो जाए। और गुरुचरण को प्रसन्न करने के बाद, गुरुचरण को प्रसन्न करने का बाद कृष्ण मंत्र दीक्षा गौन करना। कैसा देखो, लगेगा कि उल्टा बोल रहा है, लगेगा ना, लगेगा ना ऐसा। गुरुदेव को प्रसन्न करके श्री कृष्ण मंत्रो दीक्षा गौन करना जरूरी है। अब ये प्रसन्न करने के लिए जो अपने को शिष्य मानता है, गुरुजी का मैं शिष्य हूं लेकिन अभी तक दीक्षा नहीं हुई, जैसे श्रील नरोत्तम ठाकुर का प्रसंग उठाया जाए तो अच्छा है। श्रील नरोत्तम ठाकुर जी श्रील लोकनाथ गोस्वामी जी को अपना गुरु माना, गुरु मान लिया, अभी तक दीक्षा नहीं भाई, त्रिनाद विभाव निष्कपट भाव का साथ ये शौचा, ये शौच स्थान का सफाई करना, लिपाई करना, सफाई लिपाई ये सब करते हुए, सेवा करते हुए गुरु जी का हृदय को जय कर लिया, गुरु जी के हृदय को जय कर लिया। आजकल तो कोई विषय नहीं है, सिर्फ इतना ही काफी, मैं दीक्षा ले लिया बस, मेरा पास आ, मैं दीक्षा दे दूं, ऐसा ही नियम है। लेकिन यहां लिखा हुआ है गुरुपाद पद्म को प्रसन्न करने का बाद श्री कृष्ण मंत्र दीक्षा ग्रहण करना जरूरी है। गुरु जी को प्रसन्न नहीं किया, मैं भी गुरु जी का ऊपर आस्था नहीं है मेरा, ऐसा माफी गुरु जी का चरण आश्रय लेके क्या हो सकता। श्रील सच्चिदानंद भक्तिमन ठाकुर जी ने बताया, जो लोग बिल्कुल निष्कपट भाव को अवलंबन करके गुरुचरण का सहारा लेता है, गुरु सेवा करता है, ये तो बड़ा अच्छा है। लेकिन दीक्षा क्या जरूरी है, है? दीक्षा क्या जरूरी है? पान मसाला खाओ, तंबाकू खाओ, चाय पियो, बहुत सारे, अब दीक्षा का जरूरी नहीं है। शिला भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, जो लोग दीक्षा का प्रतिपक्ष, दीक्षा लेना कोई ऐसा कोई जरूरी है नहीं, ऐसा जिन लोगों ने, जिन लोगों ने ऐसा विचार किया और कपट, केवल कपट रूप से संकीर्तन आदि करते रहते हैं लाभ पूजा प्राप्ति के लिए, मजा दिखाने के लिए, रंगो अपने को वैष्णव साबित करने के लिए वो सब करता है। भक्तिमय ठाकुर जी ने बताया, ये लोग आत्मवंचक है, दे आर डिप्राइव्ड देमसेल्फ, ये वंचित है, नितांत तो आत्मवंचक, ये लोग आत्मवंचक है, ये लोग आत्ममंगल को नहीं चाहता है, ये लोग आत्म मंगल को नहीं चाहता है,
आत्मवंचक है। कोई अगर इस बात को उठाए ये महाराज चैतन्य चरितामृत में दिखा है, दीक्षा पुरस्चरण विधि अपेक्षा न करे जीवास्पर्शे आचंडले उद्धार, ऐसा लिखा है तो क्या करे। और ऐसा अगर विषय है, ऐसा अगर विषय बात को उठाए ये लोगों को जानकारी के लिए श्रीला सच्चिदानंद भक्तिमय ठाकुर जी ने बताए, वास्तविक रूप से हरिनाम का इतना पावर है ये दीक्षा पुरस्चरण विधि कोई दरकार नहीं है, लेकिन जन्म जन्म से जिसका जिंदगी में हरिनाम का ऊपर विश्वास रहते आ रहा है, होते आ रहा है, जैसे एक उदाहरण दे दे, हम लोगों को पता है दीक्षा लेने का पहले सालग्राम आदि अर्चन करना उचित नहीं, विधान नहीं है। दीक्षा लेने का पहले सालग्राम आदि अर्चन करने का कोई सवाल ही नहीं है, आ नहीं सकता, ये तो दीक्षित व्यक्ति कर सकता है। लेकिन नित्य पार्षद प्रभुपाद विमला प्रसाद सरस्वती भगवान का नित्य पार्षद है, प्रभुपाद का बारे में कुछ व्यतिक्रम दिखा गया। कैसा व्यतिक्रम ने सिलो सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी ने विमला प्रसाद सरस्वती जी को हरिनाम दे दिया, दीक्षा नहीं थी। हरिनाम देने का समय जो राम बगान का बास मंदिर, भक्तिविनोद ठाकुर का जो मंदिर बनाने के समय में जमीन का अंदर से जो सालग्राम निकाला है, कुर्मशिला कुर्म भगवान लिखा हुआ है, श्रीला सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी ने विमला प्रसाद को ये कुर्म देवता दिया है, तुम अर्चन करो। अब ये प्रश्न आता है महाराज कैसे अर्चन, अभी तो आप बताए हैं कि दीक्षा का अलावा सालग्राम स्पर्श करना माना है, शक्त माना है सब कोई के लिए, लेकिन जो नित्य पार्षद है विमला प्रसाद सरस्वती इनके जवान में जो हरिनाम नित्य करता है, जो हरिनाम के द्वारा तमाम जगत को उद्धार कर सकता है, इसका लिए दीक्षा पुरस्चरण विधि अपेक्षा न करे। कई उदाहरण दे सकता है, ये विमला प्रसाद सरस्वती अर्थात प्रभुपाद बचपन में पुरुषोत्तम धाम यहां भक्तिविनोद ठाकुर का जो आवास स्थली है, भक्तिविनोद ठाकुर जहां पुरुषोत्तम धाम नीलाचल में रहते समय जिस मुकान पे रहते थे, भक्तिविनोद ठाकुर का आवास स्थली मंदिर, इनके बड़ा लड़का शरीर छोड़ने का समय में भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा प्रेरित होकर विमला प्रसाद सरस्वती का मुखारविंद से हरिनाम कीर्तन सुना है। भक्तिविनोद ठाकुर का एक लड़का था, ये लड़का तो बोलना जरूरी है क्योंकि आप समझोगे नहीं, एक महापुरुष का तो ना तो लड़का लड़की बीवी ये सब बोलना उचित नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं। अन्नदा प्रसाद इनके नाम था, अन्नदा प्रसाद इसके, इनके माताजी सोरी छोड़ दिए थे बचपन में, इसके बाद हमारा भगवती माँ महादयामयी भगवती माँ माँ भगवती
ये आई थी। ये अन्नदा प्रसाद मरने का समय पे विमला प्रसाद जी का मुखारविंद से हरिनाम संकीर्तन सुनते सुनते शरीर छोड़े, शरीर छोड़े ना। तो ये विमला प्रसाद जी का जवान से प्रभुपाद को पता था, प्रभुपाद ने कोई गलती नहीं की, प्रभुपाद को पता था कि विमला प्रसाद का जवान से हरिनाम निकलता है जो हरिनाम ये लड़का को उद्धार कर सकता है अन्नदा प्रसाद, इसीलिए लगा है। तो अक्सर जो नियम दिखाई नहीं पड़ता है, आई मीन व्हाट इज अनयूजुअल, इसका लिए कोई विचार नहीं बनता। आई बात समझ में? अगर प्रभुपाद का जिंदगी में दिखाई नहीं पड़ा, अगर किसी का जिंदगी में दिखाई नहीं पड़ा, ये सब चीजों को, ये सब उदाहरण को उठाकर बहस करना उचित नहीं है। कल इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कैसे भरतराज संहिता में सख्त माना है, लिखा है, माताजी लोग मंत्रोपदेश ना करें। लेकिन हमने देखा है जन्मवाता ठाकुरानी, गंगा माता ठाकुरानी, हेमलता ठाकुरानी, ये लोग आचार्यों का काम किया। कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई सिद्ध व्यक्ति का जिंदगी में अगर दीक्षा दिखाई नहीं पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी दीक्षा नहीं लेंगे। किसी सिद्ध व्यक्ति का जिंदगी में अगर दीक्षा का प्रसंग दिखाई नहीं पड़ता, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी छोड़ देंगे। अगर चर्चा उठाया जाए कि महाराज आदमी सोरी छोड़कर नित्य जगत में जाता है, जो महामहान पुरुष लोग है, महापुरुष लोग है, तमाम अपना शरीर को छोड़ के ही जाता है, इसका भी बहुत विचार है। श्रीला सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर नित्य स्वरूप है, ये फेंकने का कोई विषय नहीं है। पोपात का जो शरीर है ये भी नित्य शरीर है, ये भी छोड़ने का प्रसंग नहीं है। फिर भी बाहरी दृष्टि में ये लोग शरीर को छोड़ के जाता है, नित्य लोग बाहरी विचार, क्योंकि नित्य पार्षद और नित्य पार्षद का शरीर छोड़ने का कोई प्रसंग नहीं आता। परम विजयत केशव कुशी महाराज जी ने इस बात का विचार को दिखाया है, जैसे एक मैंने देखा है गोकुल मावन जंगल में रहते समय, एक दिन कुटिया का बाहर आए तो देखिए एक बड़ा सा सांप पड़ा हुआ है। ध्यान से गर्व से देखा तो ये सांप नहीं था, बाद में देखा ये छिलका है, ऊपर का छिलका है। सांप जो अपना छिलका को उतारते हैं, ब्रजवासियों को बुलाए, बोले महाराज ये सांप नहीं है, ये छिलका है। परम केशव कुशी महाराज जी ने बताया शिला सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर का शरीर भी सच्चिदानंद है, ये छोड़ने का कोई प्रसंग है ही नहीं, फिर भी बाहरी दृष्टि में हम लोगों को वंचित करने के लिए छोड़ के जाता है। क्योंकि गौर लीला में गौरंग महाप्रभु का पार्षद है भक्तिमय ठाकुर, कृष्ण लीला में कमल मंजरी है, प्रभुपाद गौर पार्षद है। ये जो प्रभुपाद का जो अपराकित शरीर है ये गौरंग महाप्रभु का सेवा के लिए है, और नित्य स्वरूप ये भी नित्य स्वरूप है, ये भी फेंकने वाला कुछ नहीं है। और
नयन मणि मंजरी, ये है राधा रानी का सेवक। अब ये प्रश्न आता है तो फिर महाराज शरीर क्यों छोड़ के गया, क्यों शरीर छोड़ दिया? परम केशव गोस्वामी महाराज ने बताया, जैसे कृष्णों ने इच्छा करके धोखाबाजी किया, कृष्णों ने बूका बनाने के लिए, तमाम दुनिया को बूका बनाने के लिए शास्त्रों में जो है, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, कृष्ण अपना शरीर को छोड़ के गया, ये जो लिखा है, ये लोगों को बूका बनाने के लिए कृष्ण शरीर छोड़ा नहीं। कृष्ण लिखा है भगवत जी महापुराण में अपना शरीर का सब, क्योंकि सच्चिदानंद विग्रह है, सारे अपना बहुत सारे विचार है इसमें, समय कम है, इसीलिए पूरा चर्चा करना संभव नहीं है। तो फिर परम केशव गोस्वामी महाराज ने बताएं, केशव गोस्वामी महाराज जी ने बताएं, ये जो सांप जैसे अपना छिलका उतार के जाता है, ये महापुरुष जो लोग जो है, ये भी हम लोगों को बुका बनाने के लिए अपना छिलका छोड़ के, एक खोलस, एक खोल है, इसको छोड़ के जाता है। जैसे एक उदाहरण दे इस बात को, गैर इस बात को बड़ा गंभीर विचार के साथ चर्चा करना है। भगवान श्री कृष्ण जैसे आविर्भाव से लेकर, ध्यान दे, भगवान श्री कृष्ण जैसे आविर्भाव से लेकर धीरे 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 बढ़ने का पौगंड है, बाल्यकाल है, पौगंड है, किशोर है, जवानी है, उसके बाद भगवान का वृद्ध अवस्था नहीं आता है, भगवान का चेंज होता है, ठीक है, किशोर तक ठीक है, भगवान का युवावस्था जो है वो भी किशोर का माफी, और किशोर का किशोर अवस्था का बाद ना तो चैतन्य महाप्रभु का, ना तो कृष्ण भगवान का, किसी का, नित्यानंद का, किसी का वार्धक्य बुढ़ापा दिखाई नहीं पड़ा। अद्वैत गोसाई इच्छा करके सदाशिव का लीला किया, इसीलिए बुढ़ापा दिखाया, अद्वैत गोसाई सदाशिव का लीला किया इच्छी इसीलिए दिखाया, बाकी विष्णु तत्व अद्वैत गोसाई भी विष्णु तत्व है, लेकिन शिव तत्व का लीला किया इसीलिए दिखाया। अब जैसे कृष्ण भगवान का आविर्भाव से लेकर ईच एंड एवरी डे का लीला, ईच एंड एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, बाल्यकाल से लेकर जब भगवान का आविर्भाव लीला से देख लेकर हर पल पल का लीला, ये नित्य जगत में है, समझा नहीं आप? जैसे भगवान श्री कृष्ण का कालियादमन लीला, ये भी नित्य है, अनंत ब्रह्मांड में अभी किसी जगह कालियादमन लीला हो रहा है, वहां अगर खत्म हो जाए किसी और जगह कालियादमन लीला हो जाएगा, ऐसा करके लीला नित्य है। ऐसे ही ये जो महापुरुष है विमला प्रसाद सरस्वती प्रभुपाद, ये जन्म से लेकर धीरे धीरे बढ़ते हुए जितना सारे एज का लिमिट है, हर एज लिमिट का अंदर में प्रभुपाद का बाल्यकाल से जन्म से लेकर आविर्भाव से लेकर जो लीला है, सारे नित्य जगत में विराजमान है। इसीलिए बाहरी दृष्टि में हमारा भक्ति विनोद ठाकुर बुढ़ापा आ गया, ये जो लीला दिखाया, ये भी किसी नित्य जगत में भक्ति विनोद ठाकुर का ये जो स्वरूप है, ये भी नित्य है, इसमें फेंकने वाला कुछ चीज है नहीं। इस विषय पर बहुत गंभीर विचार होना जरूरी है। शिला सच्चिदानंद भक्तिमय ठाकुर जी ने बताया कि महाराज, किसी एक्सेप्शनल चीज को आपने देख लिया, इस विषय को ऊपर भरोसा रखकर तर्क वितर्क उचित नहीं होगी, उचित नहीं होगी। श्रील ध्रुव महाराज जी, ये पार्थिव शरीर, ध्रुव महाराज जी अपना शरीर को नहीं छोड़ते हुए ध्रुव लोक में पहुंचा, लिखा हुआ है भागवत जी महापुराण में,
ध्रुव महाराज जी का लिए, ध्रुव महाराज जी का लिए विमान आए, भगवान ने भेज दिया। विमान आने का बाद विमान का भगवान का जो विमान में मौजूद भगवान का पार्षद, चार हाथ भगवान का शारूप है ना, पूरा एक रकम दिखने में, वो आके बताएं, वे लोग बताएं कि महाराज आप विमान में चढ़े, आपको जाना है। भगवान ने भेज दिया। जब ध्रुव महाराज जी विमान में चढ़ने वाले थे, जब ध्रुव महाराज जी विमान में बस चढ़ने वाले थे, उस समय एक भयंकर मूर्ति ध्रुव महाराज जी का सामने प्रकट हो गया। बोले कहां जा रहे हो? ध्रुव महाराज जी ने पूछा, आप कौन है पूछने वाले? बोले मैं मौत हूं, मेरा नाम है मौत। मेरे को छोड़कर, मेरे को अतिक्रम करके कोई जा ही नहीं सकता। मेरे को अतिक्रम करके कोई जा नहीं सकता। ध्रुव महाराज जी ने मुस्कुराया। ध्रुव महाराज जी ने मुस्कुराया और मौत का सर पर अपना पैर रखकर विमान में चढ़ गया। जैसे छीना में चढ़ता है आदमी, मौत का मस्तक पर एक पैर रख के, दूसरा पर विमान के अंदर रख के, ध्रुव महाराज जी विमान के अंदर चला गया और विमान ध्रुव महाराज जी को लेकर ध्रुव पथ को चले गए। अब ध्रुव महाराज अपना शरीर बिना शरीर छोड़े, अब ध्रुव महाराज अपना बिना शरीर छोड़े ध्रुव पथ को प्राप्त कर लिया। इसका मतलब तो ये नहीं हर आदमी एक ही ऐसा ही करेगा। ध्रुव महाराज जी ये शरीर बिना छोड़े ध्रुव लोक को चले गए। इस उदाहरण को देखकर कोई अगर आदमी बोले, महाराज हम भी ध्रुव महाराज का माफिक बिना शरीर छोड़े जाएंगे, ये हो ही नहीं सकता। जो एबनॉर्मल चीजें हैं, जो अनयूजुअल प्रोसीड्योर है, वो कोई स्वाभाविक नियम का अंदर नहीं आ रहा है। इसलिए अगर किसी का जिंदगी में दीक्षा का प्रसंग नहीं देखा गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी दीक्षा नहीं लेंगे, ऐसा नियम नहीं, ऐसा प्रसंग नहीं है। ऐसा कभी कभी ऐसा उदाहरण दिखा जाता है, जैसे षटोकोप, ये विषक्षण का अवतार है वैकुंठ का, दक्षिण भारत में श्री संप्रदाय का आदि गुरु अलवार। आप कोई प्रश्न करे कि अलवार का गुरु कौन है, अलवार को भगवान किसने कृपा किया, ऐसा अचानक जंगल में भगवान प्रकट है अलवार के सामने, ये सब प्रश्नों का कोई तर्क के द्वारा समाधान नहीं निकल सकता है, ये एबनॉर्मल चीज है। षटकोप का अंगद ज्योति दक्षिण भारत में केरल स्टेट में रहते हुए भी पूरा नर्मदा का उस पार से बहुत दूर, हजारों माइल दूर, वहां से दिखाई पड़ता था, लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी ने लिखा है, आर्टिकल भी लिखा है प्रभुपाद जी ने। को महाराज किसी का जिंदगी में अगर दीक्षा नहीं दिखाई पड़ता, दीक्षा नहीं है, प्रकार का प्रसंग नहीं देख, लेकिन
इसका जो आचरण है, स्वभाव है, सारे आश्चर्य लगता है, ऐसा तो संभव नहीं है। तो ये कभी कभी ऐसा हो सकता है, एबनॉर्मल चीज है। बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसा। तो किसी बच्चा का जिंदगी में देखा गया, बचपन से इतना भक्ति है, कैसे हो सकता? या तो ये सिद्ध महात्मा है प्रभुपाद जैसा, और ये भी हो सकता है इसका पूर्व जिंदगी में दीक्षा हुआ, ऐसा स्थान पे दीक्षा हुआ, बहुत सारे तत्व ज्ञान भी आए, और किसी सामान्य कारण आना पड़ा, ये भी हो सकता है। पूर्व जन्म में उसका संस्कार है, ये हो सकता है। फिर भी हमारा गुरुवर को दीक्षा लेने का विचार दिखाया रघुनाथ दास को स्वामी, ये भी मन शिक्षा में लिखा है, गुरु गोष्ठे गोष्ठा ये लिखा है, गुरु गोष्ठ गोष्ठालय सुभुगणे भूसुरगणे समन्त्रेषि नाम्नि। ये जो समन्त्रेषि नाम्नि, नाम्नि माने नाम, नाम में हैं मंत्रो और नाम। मंत्रो जो है जिसका पाशात ओम आदि जुड़ा हुआ है, ये मंत्रो, और नाम इट्सेल्फ भगवान है। नाम इट्सेल्फ भगवान है। मंत्रो के द्वारा मैं सहायता प्राप्त कर सकता, लेकिन अल्टीमेटली नाम को आश्रय करना जरूरी है, नाम आश्रय जरूरी है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने लिखा है ये समंत्रो अर्थात दीक्षा मंत्रो और हरिनाम नेला लेना, ये सारे जरूरी है, सारे जरूरी है। दीक्षा का जरूरी भी है, बहुत जरूरी है। गुरुदेव का चरण में निष्कपट भाव के द्वारा श्री गुरुदेव का चरण में निष्कपट भाव के द्वारा अपना सेवा का जो भाव है, मतलब आप सेवा करना चाहते हो, जैसे नरोत्तम ठाकुर बाहरी दृष्टि में शौचालय शौच शौच स्थान साफा किया है ना, है ना, ये भी तो सेवा का प्रचेष्टा की है। तो गुरुदेव का सामने, सदगुरु का सामने निष्कपट सेवा भाव का प्रदर्शन करके, गुरु जी को प्रसन्न करके, श्री गुरुपाद पद्मों से भगवान नाम और दीक्षा मंत्र दीक्षा और तत्व शिक्षा करना जरूरी है। अदौ गुरुपदाश्रय तस्मात, अदौ गुरुपदाश्रय, जैसे नरोत्तम ठाकुर ने अंतर से हृदय से, जैसे नरोत्तम ठाकुर ने अंतर से गोहन कर लिया गुरु रूप से लोकनाथ गोसाई को, तो ऐसा ही नियम है। किसी गुरु का महिमा देखकर और अपना जो गंदगी है, मैं गिरा हुआ इंसान हूँ, मेरा कैसे उद्धार हो सकता, मतलब तत्व जिज्ञासा अगर आए तो ऐसा मापिक सदगुरु का चरण में सेवा करने का प्रयास प्रचेष्टा करें। ऐसे तो विचार बनाए तो दीक्षा का बाद ही सेवा होता है। ध्यान दे इस बात पर, अगर कन्फ्यूशन हो जाए तो आपको उल्टा लगेगा। ये जो भक्तिवीर ठाकुर जी ने लिखा है और हमने देखा है, नरोत्तम ठाकुर गुरु सेवा करने का प्रयास प्रचेष्टा की, इसके द्वारा नरोत्तम ठाकुर को दीक्षा देने के लिए मजबूर हो गया था प्रसन्न होके लोकनाथ गोस्वामी। तो यद्यपि ये नियम है, दीक्षा का बाद ही सेवा शुरुआत होता है, फिर भी दीक्षा लेने के लिए सद्गुरु को प्रसन्न करने के लिए
सदगुरु का चरण में अपने को समर्पित करने का बाद दीक्षा का प्रसंग आता है। ध्यान दे इस बात पर, खूब गहरा विचार है, गहरा विचार है। ये जो अपने को समर्पित करना, दैट इज द मोस्ट वाइटल पॉइंट। अपने को जो समर्पित कर दिया, ध्यान दे इस बात पर, अपने को जब समर्पित कर दिया वैष्णव चरण में, गुरु चरण में, तब पवित्र पवित्र हो गया। इसका बाद हरिनाम लेना, दीक्षा लेना जरूरी है। दीक्षा लेना, हरिनाम लेना जरूरी है, ये जरूरी है। लेकिन जब गुरुचरण में समर्पित आत्मा हो गया, अर्थात गुरुचरण में अपने को विक्रय कर दिया, तो अब मैं मेरा नहीं हूं। ध्यान दे इस बात पर, अब मैं मेरा नहीं हूं, मैं गुरु जी का चरण में मेरा स्थिति है। अगर गुरु जी का चरण में मैं अपने को समर्पित कर दिया, उसी समय मेरा पवित्रता सिद्ध हो गया। ध्यान दे इस बात पर, जब तक कामना वासना रहता है, जब तक कामना वासना रहता है हृदय में, इट इज कॉल्ड कंटामिनेशन, इम्प्यूरिटी। जब गुरु चरण में अपने को समर्पित कर देता है किसी व्यक्ति, जैसे जैसे भक्ति प्रदीप्तित्व महाराज, जैसे भक्ति प्रदीप्तित्व महाराज जी का जिंदगी में हुआ, एक महापुरुष का मुखारविंद से सुन लो ये विचार को, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाए। जब दीक्षा नहीं हुई थी पहले, तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का पास पहुंचे। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का पास पहुंचे, मायापुर से गया था, अंतर्यामी बाबा जी महाराज बोल रहे हैं, आप कहां से आ रहे हो? मायापुर से आ रहा है। अच्छा, किसने भेजा है? हम आम आपका प्रभुपाद बिमला प्रसाद सरस्वती का पास से आ रहा हूं, ये बताया। आपका दीक्षा हुआ? नहीं, अभी तक हमारा दीक्षा नहीं हुआ। गौर किशोर बाबा जी महाराज ने सिद्धांत तो बताया, आप तो अपने को समर्पित कर दिया, आप तो अपने को समर्पित कर दिया, और मायापुर आत्मनिवेदन क्षेत्र है, मायापुर जो है आत्मनिवेदन क्षेत्र है, आप अपने को संपूर्ण रूप से गुरु चरण में समर्पित कर दिया है, आप कैसे कर रहे हो कि आपका दिखा हुआ नहीं? चलो जाओ, अपेक्षा कर रहा है आपका गुरु आपको दीक्षा देने की। तो गौर किशोर बाबा जी महाराज ने सिर्फ आत्मसमर्पण के द्वारा जो जीवात्मा पवित्र है उसको, बाबा जी महाराज ने बोला, आप कैसे बोला आपका दीक्षा नहीं हुई, जाओ आपका लिए, आप तो समर्पण कर दिया आपने को, तो आपने को समर्पित करना जरूरी है सबसे विषय। तो नरोत्तम ठाकुर जी ने लोकनाथ गुसाई के चरण में आत्मसमर्पण कर दिया, भले ही दीक्षा नहीं है बाहरी दृष्टि में, लेकिन पवित्रता का, प्यूरिटी का कोई अभाव भी नहीं है, अभाव भी नहीं है ना। तो इसीलिए सेवा का चेष्टा, ये भी कोई खराब कुछ नहीं है। भक्ति मोहन ठाकुर जी ने लिखा है, गुरुदेव का चरण में निष्कपट भाव लेकर सेवा का साथ, अर्थात आत्मसमर्पण करने का बाद जो पवित्रता आ जाता है, इसके द्वारा सेवा हो सकता है। और दीक्षा का बाद भी सेवा नहीं हो सकता, ध्यान दे इस बात पर। बाहरी दृष्टि में दीक्षा हो गया, लेकिन फिर भी प्रभुपाद बोल रहे इसका सेवा में कोई अधिकार नहीं हुआ। ध्यान दे इस बात पर, बाहरी विचार में दीक्षा हो गया,
फिर भी इसको सेवा में अधिकार नहीं, क्योंकि इसका आत्मसमर्पण नहीं है, आत्मसमर्पण नहीं है ना। और दिखा हुआ नहीं, बाहरी दृष्टि में दिखा हुआ नहीं, लेकिन गुरुचरण में सब कुछ दे दिया, तन मन जीवन गुरुपद अर्पण कर दिया। तो मानो यूं समझ लो कि इसका दिखा का कोई बाकी भी नहीं है, सिर्फ मंत्र लेना है, सिर्फ मंत्र को लेना है। इसीलिए श्री भक्तिमय ठाकुर जी ने लिखा है, सही विचार है, श्री गुरुपाद पद्म में निष्कपट सेवा बाप के साथ प्रसन्न करकर गुरु के गुरु जी के चरण में अपना भगवान नाम और दीक्षा लेना जरूरी है। और तत्व शिक्षा अदो गुरु पदा स्वयो तस्माद कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, कृष्ण दीक्षा आदि ये सब शिक्षा करना जरूरी है। ये जो बात बताया ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान नाम मंत्र आदि दीक्षा और तत्व शिक्षा करना जरूरी है। ये बात श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा। बहुत सारे ऐसा विचार है, कोई अगर कहे परीक्षित महाराज का कहां से दीक्षा हुआ, महाराज परीक्षित महाराज का गुरु कौन है, महाराज हमने तो देखा ही नहीं। पौपात कह रहे हैं आप क्या देखना चाहते हो, ये टट्टी पेशाब देखने वाले जो आंखें हैं टट्टी पेशाब का बराबर आपका बुद्धि है, ये विचार के द्वारा आप क्या देखना चाहते हो। परीक्षित महाराज जी ने संपूर्ण आत्मनिवेदन आत्मसमर्पण के द्वारा सुखदेव गोस्वामी जैसा महान परमहंस वैष्णव का मुखारविंद से भागवत तत्व उपदेश सुना है। भागवत जी महापुराण में संबंधी अविधियों प्रयोजन का प्रसंग आता है, आप नहीं समझोगे। जो लोगों का अभ्यास है, जो लोगों का अभ्यास बना हुआ है कि एक महापुरुष का मुखारविंद से हरिकथा शोभन करना, वो लोगों को जानकारी है। भागवत जी महापुराण का अंदर में संबंध अविधियों प्रयोजन तत्व है। वो बात कह रहे हैं, पोपात कह रहे हैं परीक्षित महाराज का सेवा का जो हरिकथा श्रोवण जो है, ये जो हरिकथा श्रोवण का प्रसंग है, इसके द्वारा संबंध अविधेय प्रयोजन तत्व का विकास पहले से ही हो गया। बाहरी दृष्टि में दिखा नहीं है, दिखा किसको बोलता है, पोपात प्रश्न किया, दिखो किसको मानते हो, दीक्षा किसको मानते हो, कैसे मानते हो, कैसे मानते हो दीक्षा, दीक्षा किसको बोला जाता है, किस चीज का दीक्षा, किसका दीक्षा का नाम क्या है, माने क्या है। दीक्षा का माने है संबंधी अविधेय प्रयोजन तत्व का पूर्ण विकास होना हृदय में, इसका नाम है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो परीक्षित महाराज का भागवत कथा श्रवण का साथ साथ संबंधों विधि प्रयोजन चीज का कोई कमी नहीं रहेगा। वेयरएज आपका जिंदगी में इतना साल हरिनाम दीक्षा लेने का बाद भी आपका साथ गुरुजी भगवान नाम किसी का साथ संबंध नहीं हो पाया, तो आपका दीक्षा कैसे हुआ। जिस परीक्षित महाराज ने गर्भ में मां मैया का कोख में रहते समय भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, जिसका नाम पर गया महाभागवत है, उसका भी कोई दीक्षा का अभाव है, अभाव हो सकता। इस विषय पर काल हम चर्चा करने का आशा रखते खुलासा, क्योंकि आदमी का अंदर में संशय संदेह रहना स्वाभाविक है, बद्धजीवों का ये स्वभाव है, इट इज क्वाइट नेचुरल, बद्धजीवों का ये स्वभाव है, संशय संदेह ये आएगा ही आएगा, इसका कोई समाधान है नहीं, ये आएगा। इसलिए यहां आज ये चर्चा का विश्राम देना चाहता हूं, काल फिर इस विषय के ऊपर चर्चा हो सकता। आश्चर्य में तद ही मनुष्य लोके
सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती नामानि नारायणो गोचराणि त्यक्तान्न वाचः कुहका पठन्ति वांछा कल्पतरुष्य के पास सिंधु पतितानं पावन भो वैष्णवभ्यो नमो।